नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा। आज हम करेंगे एक सेशन रुद्राक्ष के ऊपर में क्वेश्चंस आंसर्स के। अलग अलग क्वेश्चंस लोगों में होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग रुद्राक्ष, रुद्राक्ष पहनने के क्या फायदे हो सकते हैं। हमने बताए हैं रुद्राक्ष के स्वास्थ्य संबंधी फायदे हैं, वेल्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान के लिए उसके फायदे उठा सकते हैं आप, जॉब में यदि आपका परेशानी है उससे फायदा उठा सकते हैं आप, डिप्रेशन है, मेंटल इश्यूज हैं, नींद नहीं आती है, खाना हजम नहीं होता है, जॉब नहीं लगता है, शादी नहीं हो रही है, शादी हुई तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हुए तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स की तबीयत खराब रहती है, शादी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बच्चे ही पैदा नहीं हो पा रहे हैं, गर्भाधान का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार बीमार हो जाते हैं, छूट जाती है जॉब बार बार, आप भी बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन सोच नहीं पाते कैसे करें, सोच रखा है, परिश्रम भी करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, बिजनेस में बार बार नुकसान हो जाता है, आप धनवान बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं लेकिन आप बन नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि जीवन एकदम निराश है, निराशाजनक है, आप प्यार मोहब्बत में रिश्तों में आते हैं लेकिन धोखा हो जाता है, या प्यार मोहब्बत जिंदगी मिलता ही नहीं है, बोलना चाहते हैं बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, स्टेज में आते हैं डर लगता है आपको बोलने के लिए, आपको लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। देखिए मैंने कैसे आपको उदाहरण बहुत सारे दिए कि देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स, क्योंकि जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं कि सभी के समाधान के लिए रुद्राक्ष बहुत कारगर साबित होती है। दूसरी बात है कि हु कैन वेयर रुद्राक्ष, क्वेश्चन नंबर टू में हु कैन वेयर रुद्राक्ष, कौन रुद्राक्ष पहन सकता है, रुद्राक्ष पहन सकता है कौन, नारी हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, धनवान हो, सभी को रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी प्रांत के हैं, किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, कोई भी गुरु को मानते हैं, रुद्राक्ष पहनने के लिए कोई बंधन नहीं है। आप मांस मांस खाते हैं, आप मदिरा पान करते हैं, आज जो कुछ भी करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी को बीमारी है, फीवर है, पैरासीटामोल खाना है उसको, या विटामिन की कमी है उसको विटामिन डी खाना है, तो उसमें थोड़ी देखा जाता है कि भाई किस धर्म का है, कौन सा जाति का है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। वैसे ही रुद्राक्ष को देखना चाहिए कि रुद्राक्ष जाति संप्रदाय के बंधन में नहीं है, धर्म के बंधन में नहीं है, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। छोटा से छोटा बच्चा पैदा होते ही रुद्राक्ष पहन सकता है, और एकदम बूढ़ा से बूढ़ा आदमी वो भी पहन सकता है, सबको रुद्राक्ष फायदा करता है। तीसरा सवाल है कि व्हिच ऑफ द रुद्राक्ष इज पावरफुल, मतलब कौन सा रुद्राक्ष ज्यादा पावरफुल होते हैं। देखिए आपको जिस चीज की कमी है वो पावर आपको चाहिए, यदि आपको भूख नहीं लगती है, अजीर्ण आपको है, डाइजेशन सिस्टम में परेशानी है, तो ऑब्वियसली आप तीन मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे जो सूर्य के लिए है, क्योंकि जठराइन को ट्रबल करेगा आपको। यदि आपके हार्ट के इशूज हैं, मन में दुख रहता है, मतलब साइकोसोमेटिक की बात कर रहा हूँ, इमोशंस में डिस्टर्ब हैं, धोखा हो जाता है प्यार मोहब्बत में रिश्तों में, तो आप 15 मुखी पहनेंगे। यदि आपको लिवर सिरोसिस है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो आप 15 मुखी पहनेंगे, वहां 15 मुखी पावरफुल हो गया। रात को सपने आते हैं बुरे बुरे, नींद नहीं आती रात को, भय लगा रहता है आपको, आपके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष पावरफुल हो गया। तो जो चीज की जरूरत आपको है वही रुद्राक्ष आपके लिए पावरफुल है। कोई स्पिरिचुअल लाइन में ग्रो चाहता है उसको 1 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा, जिसको शक्ति चाहिए 14 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा, जो थर्ड आई एक्टिव करना है उसके लिए 17 मुखी पावरफुल है। तो ये कहना कि कौन सा एक रुद्राक्ष पावरफुल है सही नहीं है, सभी रुद्राक्ष पावरफुल होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी में। चौथा सवाल यह है कि डू द रुद्राक्ष रियली वर्क, क्या रुद्राक्ष सचमुच काम करता है, रुद्राक्ष सचमुच काम करता है, आप कैसे जाने कि रुद्राक्ष काम करता है या नहीं करता है, जब तक आप पहनेंगे नहीं आपको समझ में कैसे आएगा, जब पहनेंगे उसको अनुभव करेंगे तभी होगा। आप कह सकते हैं कि क्या प्रेम करने से जीवन में आनंद आता है, यदि आपने प्रेम नहीं किया है तो आपको समझाना बहुत मुश्किल है, जिस दिन आप प्रेम में पड़ेंगे तब समझेंगे दुनिया कितनी हसीन लगती है। तो रुद्राक्ष काम करते हैं उसके पीछे साइंटिफिक वैलिडेशन है,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सेल्स में, सेल्स में क्या है, आरएनए है, डीएनए है, एमिनो एसिड्स हैं। तो एमिनो एसिड्स में होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पोलारिटी, इलेक्ट्रिसिटी में पोलारिटी होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पॉजिटिव नेगेटिव जानते हैं, करंट में होता है। तो एमिनो एसिड्स में होता है पोलारिटी, क्योंकि एमिनो एसिड में दैट इज द बायो इलेक्ट्रिकल करंट। रुद्राक्ष में भी सिमिलर बायो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जैसे माँ के दूध और गाय के दूध में समानता है, उसी प्रकार से बायो इलेक्ट्रिकल करंट जो रुद्राक्ष में होता है, इट इज एकिन टू द आवर बॉडी बायो इलेक्ट्रिकल करंट। ये जो रुद्राक्ष होता है, ये डायनामिक पोलैरिटी इसमें होती है। तो ये आपके शरीर में जो वैद्युतिक का डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो है, उसको ठीक करता है बिकॉज ऑफ द डायनामिक पोलैरिटी। तो रुद्राक्ष तो करता है काम, अलग अलग मुख्य रुद्राक्ष अलग अलग हमारे एनर्जी सेंटर्स में काम करते हैं। मतलब मुख्य रुद्राक्ष फॉर एग्जाम्पल रुद्राक्ष ऑन द हार्ट चक्र, सेवेंटी मुख्य रुद्राक्ष रुद्राक्ष ऑन द थर्ड आई। तो अलग अलग जो एक मुख से लेकर 17 मुख्य रुद्राक्ष तक किस प्रकार से काम करते हैं, हमारे चैनल में से वीडियोस हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष के टाइप्स क्या है, कितने टाइप रुद्राक्ष होते हैं। देखिए, लोग समझते हैं कि रुद्राक्ष खाली गोल ही होता है, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष सिलेंड्रिकल शेप के भी होते हैं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है इंडोनेशिया का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। एक मुखी जो भद्राक्ष होता है, जिसको रुद्राक्ष मानते हैं लोग, वो हाफ मून साइज का होता है, कोई इलिप्टिकल साइज का होते हैं, कोई राउंड भी होते हैं। तो अलग अलग शेप के आते हैं, ये मान के चलना ही खाली राउंड शेप के रुद्राक्ष होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग रुद्राक्ष का शेप होते हैं और अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप कैसा बताया मैंने कि एक मुखी से लेके 21 मुखी तक, एक मुखी से 17 मुखी तक तो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, 18, 19, 20 से बहुत महंगे होते हैं, उसका प्रयोग बहुत कम होता है। नवग्रह शांति के लिए, ग्रह ज्योतिष हिसाब के लिए, दो मुखी से 17 मुखी के अंदर में सब काम हो जाता है, एक मुखी की जरूरत नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, इसके बारे में तो हमारे पास वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हिच रुद्राक्ष इज बेस्ट फॉर मी। जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको इशू है, आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको विद्या की जरूरत है, तो विद्या के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष ये आपको जरूरत है, उसको आप पहनेंगे। बुद्धि के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष वो पहनेंगे आप। जैसे मैंने बनाया है एक रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष फॉर डिफरेंट करियर्स, रुद्राक्ष फॉर करियर्स। तो आप जिस प्रकार के प्रोफेशन में हैं, जिस प्रकार के काम में हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, साइंटिस्ट हैं, नेता हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डिपेंड करता है। तो कौन सा रुद्राक्ष कैसे आपको काम करेगा, इस प्रकार से भी काम कर सकता है। या आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपको संबंध घर में झगड़े होते रहते हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष क्या व्हिच इज बेस्ट फॉर मी, उसके लिए रुद्राक्ष अलग होंगे। वो तो ज्योतिष और परामर्श के हिसाब से देखा जाएगा कि आपका मार्स का, राहु का कोई इशू तो नहीं है, कोई शनि का इशू तो नहीं है, उसके हिसाब से आपको रुद्राक्ष दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष हमको बेस्ट है, ये तभी समझ में हमको आएगा। क्या ब्रासलेट के तौर पर पहन सकते हैं, हाँ पहन सकते हैं। गले में धारण करना तो न्यूट्रल है, हार्ट चक्र न्यूट्रल, सुरिकन वेयर ऑल टाइप ऑफ रुद्राक्ष ऑन द हार्ट। लेकिन यदि ब्रासलेट के रूप में पहनना चाहते हैं तो कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रुद्राक्ष ऑड नंबर के हैं, जैसे 3 मुखी है, 5 मुखी है, 7 मुखी है, 9 मुखी, 11 मुखी, 13 मुखी, तो ये जो ऑड नंबर्स होते हैं उसको बाएं हाथ में पहन पहनना चाहिए। और जो इवन नंबर रुद्राक्ष है, 2 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, 14 मुखी, 16 मुखी, ये वगैरह राइट हैंड में पहनना चाहिए। तो ये रूल अप्लाई होता है इफ यू आर ए राइट हैंडेड पर्सन। इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड पर्सन तो ये उल्टा हो जाएगा, तब उसको उसको रिवर्स करके पहन सकते हैं आप। तो इस प्रकार से रुद्राक्ष काम करता है। रुद्राक्ष कहाँ कहाँ मिलते हैं? रुद्राक्ष जो है आपको मिलेंगे नेपाल में मिलते हैं, जो साइज के बड़े होते हैं, महंगे आते हैं, और दूसरा सोर्स है इंडोनेशिया। जो एक मुखी की बातें करते हैं, रुद्राक्ष से बातें करते हैं, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपका श्रीलंका में या साउथ इंडिया में। वो होता है अर्धचंद्राकार, हाफ मून शेप का होता है, लेकिन उसको हम रुद्राक्ष नहीं मानते हैं, वो भद्राक्ष है, ये सब्स्टिट्यूट एक है। ओके, तो इंडोनेशिया में मिलते हैं जो साइज के छोटे होते हैं और अफोर्डेबल भी हैं और पहनने के लिए आसानी भी उसमें है।
फिर एक सवाल है कि क्या औरतें रुद्राक्ष पहन सकती हैं? एकदम पहन सकती हैं। हमारे चैनल में इसके ऊपर वीडियो है, आप जरूर देखें। क्या औरतें और बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं? औरतों को तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि मासिक श्राव के समय में उनका ऑरा जो होता है ये ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो प्रोटेक्शन के लिए रुद्राक्ष बहुत काम करता है। बच्चों को रुद्राक्ष पहनने से क्या है कि बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बच्चों का सिस्टम जो है अभी रॉ है, तो बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और बहुत अच्छा फायदा करता है। रुद्राक्ष पहनने के समय, पहनने के दौरान क्या आप नॉनवेज खा सकते हैं? खाने पीने का कोई बंधन नहीं रुद्राक्ष के ऊपर नहीं है। जैसे बताया मैंने, जाति संप्रदाय, आपका विश्वास, गुरु, धर्म, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी खाते हो रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, उसमें कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष पहनते समय क्या सहवास कर सकते हैं, मतलब सेक्स कर सकते हैं? पत्नी के साथ सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, रुद्राक्ष पहनते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन और किसके साथ यदि आप सेक्स करते हैं तो रुद्राक्ष उतार दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जी कॉन्टेमिनेशन का भय होता है। आप अनजान व्यक्ति के साथ यदि संबंध में आते हैं, आलिंगन करते हैं या प्रेमरत होते हैं, तो उसकी एनर्जी आपको रुद्राक्ष को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए प्रोटेक्ट तो करेगी, फिर भी चांसेस नहीं लेना चाहिए। क्या रुद्राक्ष पहन के ब्रिडल ग्राउंड जा सकते हैं? जैसे किसी की मौत हो गई हो वहां जा सकते हैं क्या? आयोजन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए रुद्राक्ष पहन के, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जो वहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है उससे आपको बचाता है। आप घर आके उसको थोड़ा धूप दिखा दीजिए, वो शुद्ध हो जाता है। रुद्राक्ष कब नहीं पहनना चाहिए? रुद्राक्ष कब नहीं पहनना चाहिए, ये क्वेश्चन आंसर ये है कि रुद्राक्ष आप जब नहाने जा रहे हो उस समय ना पहने, क्योंकि नहाते समय आप साबुन, सोप, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं, उसके ऊपर एक आवरण बनाया जाता है रुद्राक्ष के ऊपर में, तो एनर्जी जो ट्रांसमिट होती रहती है उसको ब्लॉक करता है, जो नानो ट्रांसमीटर्स लगे हैं रुद्राक्ष के ऊपर उसको ब्लॉक करता है। इसलिए नहाते समय रुद्राक्ष का पहनना उचित नहीं है। मोबाइल फोन और रुद्राक्ष साथ साथ रख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं रख सकते, क्योंकि मोबाइल फोन, माइक्रोवेवन या टेलीविजन सेट्स न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ उसके, जो कि रुद्राक्ष के जो बायोलिट्रिकल करंट जो उसमें रिजर्वर है उसमें है, तो उसको डिस्टर्ब करता है। तो रुद्राक्ष को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाना चाहिए। क्वेश्चन यह है कि रुद्राक्ष पहने हुए क्या हम उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, इतर लगा सकते हैं, पाउडर छिड़क सकते हैं या भस्म लगा सकते हैं? नहीं, आप रुद्राक्ष के ऊपर में पाउडर भस्म कदम ना लगाएं, कोई स्प्रे इसलिए ना करें, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष के ऊपर में है एक आवरण पैदा करेगा जो कि रुद्राक्ष का ट्रांसमिशन को बाधा पहुंचाएगा। रुद्राक्ष यदि पहना हुआ हो तो क्या शराब पी सकता हूं, ऐसे लोग पूछते हैं। आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, इससे रुद्राक्ष का कोई मतलब नहीं है। आप रुद्राक्ष पहन के आपको जो करना है आप कीजिए। यदि आप पीते हैं, आप शराबी हैं, आपको लत है पीने की, तो धीरे धीरे ये लत आपकी कम हो जाएगी, ये एक रुद्राक्ष कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि रुद्राक्ष को निकाल के आपको बियर पीना है या ड्रिंक करना है, आप रुद्राक्ष पहने कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि रुद्राक्ष पहन के ऑफिस में टॉयलेट में जा सकता हूं क्या? टॉयलेट में जाने में रुद्राक्ष पहनने की कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मनाही नहीं है, पाबंदी नहीं है। जैसे मैंने बताया, खाली नहाते समय रुद्राक्ष को निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें सोप शैम्पू केमिकल्स वगैरह आवरण बना सकते हैं। इसलिए रुद्राक्ष पहनकर मैं खेल सकता हूं, मतलब रुद्राक्ष पहनकर स्पोर्ट्स में भाग ले सकता हूं। आप गोल्फ खेलते हैं, आप और कुछ गेम खेलते हैं जहां की आपको रुद्राक्ष पहने हुए डिस्टर्बेंस नहीं होता हो, तो आप पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष पहनने के कुछ साल बाद में रुद्राक्ष काले हो गए, रंग बदल गया है, क्या करूं? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें रंगों में ऐसे परिवर्तन होते हुए देखा गया है, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि कौन सा रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए? क्या जो लाइट कलर के होते हैं, जो डार्क कलर के होते हैं, ऐसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? पुराने जमाने में जाति के हिसाब से रुद्राक्ष पहनने का नियम होता था। जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण जो होते थे वो रुद्राक्ष पहनते थे, वो थोड़े लाइट कलर के होते थे। क्षत्रिय पहनेंगे तो थोड़ा सा डार्क होगा,
शूद्र और वैश्य पहनेंगे तो एकदम काले रंग का होगा। लेकिन आज के जमाने में इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय काम कर रहा है, जो क्षत्रिय है वो वैश्य काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो जो शूद्र है वो क्षत्रिय बना हुआ है, वो डिफेंस में है, वो पुलिस में है। तो अभी धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से रुद्राक्ष पहनने का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो कोई भी रंग का रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। सवाल यह है कि क्या नेपाल के रुद्राक्ष ज्यादा कारगर होते हैं इंडोनेशिया के रुद्राक्ष के मुकाबले में, क्योंकि रुद्राक्ष जो नेपाल के होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। नहीं, छोटे बड़े साइज से मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो रुद्राक्ष पहनता हूँ ज्यादातर इंडोनेशिया में पहनता हूँ, उतना ही अच्छा काम करता है। एक्चुअली इंडोनेशिया रुद्राक्ष छोटे साइज के होते हैं तो कन्वीनियंट होता है पहनने के लिए, और उसके रेट भी कम होते हैं कम्पेयर टू नेपाल रुद्राक्ष। क्या आप अलग अलग मुखी रुद्राक्ष को एक साथ पहन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुरु के लिए 5 मुखी है, शुक्र के लिए 7 मुखी है या 13 मुखी है, तो 5 मुखी और 7 मुखी या 5 मुखी 13 मुखी रुद्राक्ष साथ में पहन सकते हैं क्या? ये सवाल इसलिए आपसे आता है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप समझते हैं कि भाई गुरु के लिए तो हो गया आपका येलो सफेद पुखराज स्टोन, और शुक्र के लिए होगा डायमंड। शुक्र और गुरु दोनों पढ़ते नहीं है, बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है, शुक्र जो है राक्षसों का गुरु है, तो ये दोनों पढ़ते नहीं है। तो ये जेम्सों तो रिकमेंड नहीं किया जाता है कि पुखराज और डायमंड आप नहीं पहन सकते साथ में, तो क्या रुद्राक्ष ही पहन सकते हैं बृहस्पति के लिए और शुक्र के लिए साथ में पहन सकते हैं? हाँ, रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। यदि आपके चार्ट में कोई ग्रह एकदम अस्त है, नीच का है, तो उसमें क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए? फायदा होगा, एकदम फायदा होगा, क्योंकि यदि अस्त है, डेब्यूटेशन में है या नीच का है, तो रुद्राक्ष पहनने से ही फायदा होगा, जेमस्टोन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मर चुका है उसको इंजेक्शन लगाने से क्या मतलब। तो डेब्यूटेशन में तो रुद्राक्ष आपको जरूर पहनना चाहिए। क्या आपका सवाल है कि क्या 1 मुखी से लेके 17 मुखी तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं? सभी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, एकदम पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नवग्रह आपका शांत रहेंगे और बाकी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। जैसा आप जानते हैं 1 मुखी से 17 मुखी तक कैसे कैसे काम करते हैं हमारे शरीर और मन पर, इस शरण में वीडियोज है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। रुद्राक्ष को क्या चांदी में पहनना चाहिए या सोने में पहनना चाहिए या ऐसे ही पहनना चाहिए, यह सवाल आपका है। इसका आंसर यह है कि रुद्राक्ष को आप चांदी में पहन सकते हैं, सोने में भी पहन सकते हैं और बिना सोने चांदी के भी पहन सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या रुद्राक्ष की माला को क्या चेन में पहन सकते हैं, सोने के चेन में या चांदी के चेन में पहन सकते हैं? आप एकदम पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थ्रेड में भी पहन सकते हैं या आप चांदी या सोने के चेन में पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके लिए चार्ट में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो वैसे आपको सोना अलाउड नहीं होता है, गोल्ड अलाउड नहीं होता है, अच्छा काम नहीं करता है। तो बृहस्पति आपको ठीक है तो आप गोल्ड में पहन सकते हैं, बाकी चांदी में पहने या धागे में पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा है, पहन सकते हैं आप। प्रश्न ये है कि जो धागे में पहनते हैं तो रुद्राक्ष के हिसाब से क्या रंग का चयन करना चाहिए? आप यदि कर सकते तो अच्छी बात है। जैसे आप एक ही रुद्राक्ष पहन रहे हैं, 6 मुखी पहन रहे हैं, आप लाल रंग का पहन सकते हैं। सूर्य के लिए पहन रहे हैं, ये 3 मुखी हैं और आपके 12 मुखी है, तो आप उसको लाल रंग में पहन सकते हैं। राहु के लिए लाल रंग में पहन सकते हैं। यदि आप 7 मुखी पहन रहे हैं शुक्र के लिए और 13 मुखी भी पहन रहे हैं शुक्र के लिए, वही होता है, तो आप सफेद धागे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मुखी है चंद्रमा के लिए, सफेद धागे व्हाइट थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कलर थेरेपी भी हो जाती है। प्रश्न यह है कि रुद्राक्ष का धोते रहना चाहिए, सफाई करते रहना चाहिए, ब्रश से प्रतिदिन साफ करना चाहिए? उत्तर है नहीं, रुद्राक्ष को प्रतिदिन साफ करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष को सोख शंपू से दूर रखें। जो पानी भी आ रहा है वो भी कंटामिनेटेड वाटर होता है, इसको शुद्ध गंगा जल से या फिल्टर्ड वाटर से धोना चाहिए। ये छोटा सा ब्रश रख लिए, छोटा सा, छोटे बच्चे ब्रश करते हैं, उसमें 4-5-6 महीने में एक बार थोड़ा साफ कर लें, थोड़ा सा, उसमें साबुन शैम्पू कुछ मत लगाइए, हल्के से साफ कर लीजिए शुद्ध पानी में, उसको धूप में सुखा दीजिए। कभी कभार धूप में रुद्राक्ष को सुखाने से या धूप में रख देने से अच्छा होता है,
डिकॉन्टामिनेट हो जाता है और सूर्य की रोशनी का फायदा भी होता है, शक्ति का उसमें बैलेंसिंग भी होता है। प्रश्न ये है कि जैसे मेरा मार्स खराब है, मार्स में कुछ मंगल में कुछ दोष है और शिवमुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए बोला गया है, तो क्या मैं एक पहनूं या तीन पहनूं या सात पहनूं या 108 पहन लूं? देखिए ऐसा है कि यदि आपको बोला गया कि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो क्या करेंगे आप? कि आप 10 कैप्सूल खा जाएंगे, गोली खा जाएंगे, एक साथ में खा जाएंगे तो ज़्यादा काम करेगा क्या? मैं कहता हूँ कि आप एक ही रुद्राक्ष पहनिए, शिवमुखी का एक ही पहन लीजिए, काफ़ी है। तीन पहनने से, छः पहनने से कुछ ज़्यादा फायदा करने वाला नहीं है। तो समय की बर्बादी ना करें, पैसे की बर्बादी ना करें, कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। जैसे किसी को स्टोन है, जेम स्टोन है, 1 कैरेट का पहनने की जगह 10 कैरेट का पहन ले तो क्या हो जाएगा, उसे काम फटाफट हो जाएगा? ऐसा होता नहीं है। तो रुद्राक्ष इस प्रकार से ही पहनना चाहिए, एक रुद्राक्ष काफ़ी है। आपका यह है कि जो रुद्राक्ष माला में जप करता हूँ उसको पहन सकता हूँ क्या? नहीं पहन सकते आप। जो रुद्राक्ष माला में आप जप करते हैं उसको नहीं पहन सकते हैं, जो रुद्राक्ष माला पहनते हैं उसे जप नहीं कर सकते आप। प्रश्न ये है कि जो रुद्राक्ष मैं पहनता हूँ मेरी पत्नी पहन सकती है, मेरे बच्चे पहन सकते हैं? नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष एकदम पर्सनल है। ये आपके जो बॉडी का जो एनर्जीज हैं उससे इसका एक सिंक्रोनिसिटी पैदा हो जाती है, एक तालमेल पैदा होता है, ये आपके लिए काम करता है। तो आपका रुद्राक्ष आदमी को पहनना चाहिए। प्रश्न ये है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो पुराने रुद्राक्ष घर में है तो किसको उसको हम पहन सकते हैं? पहन सकते हैं, उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, उसके प्रोसेस है। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क साध सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा किस प्रकार से आप शुद्धि कर सकते हैं, शुद्धि करके पहन सकते हैं रुद्राक्ष को। प्रश्न ये है कि रुद्राक्ष को धारण करने के नियम क्या क्या है? रुद्राक्ष को धारण करने के नियम कुछ स्पेसिफिक नियम नहीं है। जब रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो कहा जाता है कि एक बार मंदिर हो आइए, शिव जी का मंदिर हो आइए, इट इज जस्ट ए सेंस ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न ये है कि रुद्राक्ष को क्या हम अपने वेस्ट में धारण कर सकते हैं, हाथ में धारण कर सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं? वो धारण करो तो कहाँ कहाँ कैसे करें? उत्तर ये है कि रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं वेस्ट में, जैसे शिवमुखी रुद्राक्ष है मार्स के लिए, मंगल के लिए, नौमुखी रुद्राक्ष है राहु के लिए, बार बार गर्भपात हो जाता है, वर्षण हो जाता है, नौमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शक्ति का संचय करना चाहते हैं, शिवमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, वेस्ट में पहन सकते हैं आप, जैसे बेल्ट पहनते हैं उस प्रकार से वहाँ बांध सकते हैं, पहन सकते हैं। दो मुखी भी पहन सकते हैं वेस्ट में, 7 मुखी 13 मुखी वेस्ट में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहनिए। यदि पहनने में परेशानी होता हो तो आप छाती को और पहन सकते हैं, छाती में तो कुछ भी पहन सकते हैं। प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा रुद्राक्ष है जो कि गले के एकदम पास पहुंचना पहनना चाहिए? वो है 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए होता है, शनि थाड़ाए पे काम करता है, क्योंकि आप जटा तो रखे हुए नहीं कि सिर के ऊपर आप पहन लेंगे, तो आप 17 मुखी रुद्राक्ष को पहनिए, जो कि आपके कंठ में यहाँ जो एक हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है यहाँ, इसके ऊपर यदि 17 मुखी रुद्राक्ष रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। यदि आप वह नहीं पहन सकते हैं क्योंकि आप भविष्य में काम करते हैं और आपको लगता है कि ये और लगेगा, थोड़ा नीचे पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कुछ फास्ट हार्ड रूल्स नहीं होते रुद्राक्ष में पहनने के लिए, आप पहन सकते हैं। हाथ में पहनने के लिए बताया मैंने आपको, वेस्ट में हाथ में के जो बताया मैंने कि ये भाई रिस्ट में पहने या बाजू में पहन सकते हैं, तो मैंने बताया था कि ऑड एंड इवन, ऑड नंबर्स रुद्राक्ष बाएं हाथ में, इवन नंबर रुद्राक्ष जो है दाएं हाथ में पहनेंगे आप। रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या परहेज करना चाहिए? परहेज आपको बताया मैंने कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रुद्राक्ष को दूर रखिए। ये तो पूरा संभव नहीं है, चारों तरफ वाईफाई है, हम फोन के आसपास रहते हैं, जितना हो सके रुद्राक्ष को इन चीज़ों से दूर रखिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, थोड़ा दूर रखने की कोशिश कीजिए। जैसे रुद्राक्ष पे माला पहने हुए हैं तो ये तो कर सकते हैं कि भाई जो आप मोबाइल फोन रखते हैं उसको शर्ट के पॉकेट में ना रखिए, ये तो कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार के रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, मैंने कोशिश की है बहुत सारे सवाल जवाब आपको देने के लिए। इसके अलावा भी यदि आप समझते हैं कि कोई आपका प्रश्न है तो इसी YouTube जो आप वीडियो देख रहे हैं नीचे में कमेंट सेक्शन है, उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आप 9845124158 में, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।
मैं आपको उत्तर दे दूंगा, या इसी में आप कमेंट लिखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.whitelotusspirituality.com में जाइए, या astrologyrecommendation.com में जाइए, या santoshsharma.com में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल जवाब इस प्रकार के मिल जाएंगे। हमारे whitelotusspirituality.com में बहुत सारे लिंक हैं रुद्राक्ष के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जेमस्टोन्स के बारे में जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, बहुत सारे शंकाएं होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई जेमस्टोन का एक्सपायरी डेट होता है क्या, कौन सा जेमस्टोन कैसे पहनना चाहिए, कितना कैरेट का होना चाहिए, कैसे पहचाने जेमस्टोन सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल जवाब के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो सब्सक्राइब करें और देखते रहिए चैनल। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।